दोस्तों सारे बिजनेस माइग्रेट हो रहे हैं ई कॉमर्स से एम कॉमर्स की तरफ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आखिर एम कॉमर्स क्या होता है, यानी कि मोबाइल कॉमर्स क्या है, और अगर आपका कोई वेबसाइट है जहां पे आप कुछ सेल कर रहे हो तो ये समझ लो कि आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माइग्रेट होना एम कॉमर्स की तरफ। पूरी दुनिया एम कॉमर्स की तरफ माइग्रेट हो रही है, और जो बिजनेस एम कॉमर्स को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, एम कॉमर्स की तरफ नहीं माइग्रेट हो रहे हैं, वो अभी भी ई कॉमर्स पे चिपके हुए हैं, तो ये मान लीजिए कि उनका बिजनेस खतरे में है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम कॉमर्स के बारे में, एम कॉमर्स के क्या फायदे हैं, मोबाइल कॉमर्स और ई कॉमर्स में दोनों में क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, आखिर मोबाइल कॉमर्स यानी एम कॉमर्स से कैसे आप अपने यूजर्स को मतलब इंगेज रख सकते हो, उनके डाटा को कैसे यूज़ कर सकते हो, उस मोबाइल कॉमर्स का यूज़ करके ई कॉमर्स से 10 टाइम एक्स्ट्रा ज़्यादा रेवेन्यू कैसे कर सकते हो, यानी कि ई कॉमर्स के मुकाबले मोबाइल कॉमर्स 10 टाइम ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट है मेरा, व्हाट इज मोबाइल कॉमर्स यानी व्हाट इज एम कॉमर्स क्या है। एक्चुअल में दोस्तों मोबाइल कॉमर्स वेरिएशन है ई कॉमर्स का, यानी दूसरा पड़ाव कह सकते हैं। इसके बाद और भी पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आएंगी, ये हम नहीं जानते हैं, बट यस आएंगी जरूर, ठीक है। लेकिन मोबाइल कॉमर्स की तरफ सभी बिजनेस इसलिए माइग्रेट हो रहे हैं। वैसे मोबाइल कॉमर्स में हम लोग क्या करते हैं, विदाउट यूजिंग कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर के यूज किए कोई भी हमें सर्विस गुड्स कुछ भी हमें बाय करना होता है, वो आजकल हम फोन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहले के जमाने में आज से कुछ 6, 7 साल, 8 साल पहले जाएंगे तो हमें कुछ बाय करने के लिए, कुछ फॉर्म फिल करने के लिए, कोई सर्विस लेने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी, साइबर कैफे जाना पड़ता था, और वहाँ पे हम अपना जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स का यूज़ करते थे। बट अभी बहुत कुछ ईजी हो चुका है, हम अपने फ़ोन में ही सारी चीज़ें कर सकते हैं, यानी मोबाइल कॉमर्स अभी बन चुका है पूरा वर्ल्ड, ठीक है। तो हमें कोई भी सर्विस लेनी हो या फिर कुछ प्रोडक्ट बाय करना हो तो मोस्टली हम लोग एम कॉमर्स करते हैं, तो इसी को बोलते हैं मोबाइल कॉमर्स। अब बात करते हैं कि बिजनेस को इससे फायदा कैसे हो रहा है, और अगर आपने अभी भी एम कॉमर्स की तरफ माइग्रेट नहीं किया आपका बिजनेस, तो आपका बिजनेस किस तरीके से डेंजर में है, और अगर आप माइग्रेट कर लेते हैं मोबाइल कॉमर्स की तरफ तो किस तरीके से आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। चलिए दोस्तों सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है मोबाइल कॉमर्स यानी कि एम कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स, ठीक है। इन दोनों में क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज, आपको बता देता हूं। वैसे दोस्तों ई कॉमर्स, आप सभी को पता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है, ई कॉमर्स की कोई भी वेबसाइट्स, एक्चुअल में आप वो सर्विस प्रोवाइडिंग आप कह लीजिए, या कुछ बाय सेल करने वाली वेबसाइट्स कह लीजिए, पेमेंट सर्विसेज वाली वेबसाइट्स कह लीजिए, वो सभी हमें पीसी पे करना पड़ता था पहले। हालांकि आजकल वो वेबसाइट्स भी मतलब मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो चुकी हैं, बट स्टिल अभी भी उसमें काफ़ी खामियां हैं। बट एम कॉमर्स में हम लोग को देखिए क्या क्या फायदा मिलता है, ये मैं आपको जरा अच्छे से बताता हूँ डिटेल में। एम कॉमर्स सबसे पहली बात तो आजकल हम लोग डेली लाइफ में सुबह उठते उठते एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स अपने मोबाइल पर कुछ ना कुछ स्क्रॉल जरूर करते हैं, ठीक है। तो ये मोबिलिटी मतलब मोबाइल में इतना ईजी, मोबाइल कॉमर्स को यानी एम कॉमर्स को मोबाइल में बहुत इजी तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, पेमेंट्स की अगर बात की जाए तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में आज भी, अभी तो बहुत ज़्यादा, इसके पहले तो खैर कम था, हम डरते थे कि पेमेंट्स वगैरह कहीं करने में पहले हम लोग थोड़ा कम डरते थे कि यार चलो ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी चलो हमारे लिए वो ट्रस्टेड था, लेकिन आजकल इतना हैकिंग, इतनी फिशिंग हैकिंग चालू है कि अभी भी हमें बहुत डर लगता है कि यार किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम अपने पेमेंट डिटेल को दें या नहीं दें, ट्रस्ट नहीं होता ई कॉमर्स। कोई भी वेबसाइट आप चले जाइए, पेमेंट देने में कहीं ना कहीं हमें हिचकिचाहट होती है, लेकिन एम कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। कैसे, अगर समझ के चलिए कि आपने अपना बैंक डिटेल या कोई भी सब कुछ आपने अपने जो बैंक का एप्लीकेशन होता है उसमें सेव रखा है, या फिर गूगल पे फोन पे में सेव रखा है, तो मोबाइल कॉमर्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है इन्हीं सब जो एप्लीकेशन है इनके थ्रू आप पेमेंट कर सको। तो ये बहुत इजी और एक अच्छा हम लोग के लिए, मतलब जो हमारे अंदर का डर रहता है वो इस चीज को खत्म कर देता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है यूजर ट्रैकिंग, ठीक है। यूजर ट्रैकिंग, अब इसका मतलब यह है कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स में जाओ, अगर आपने वेबसाइट बनाया होगा तो आप सभी को पता होगा आप अपने यूजर्स को उतने सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पाते होंगे, या उनके डाटा को, या कुछ आपने डिलीवर किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी ई कॉमर्स में खामियां हैं। मतलब एक तो ट्रैक करना मुश्किल है, नोटिफिकेशन सेंड करना, बहुत सारी चीज़ें, अगर उसने अलाउ नहीं किया होगा तो नोटिफिकेशन सेंड करना मुश्किल होता है। ई कॉमर्स में अगर किसी चीज़ का प्रमोशन करना चाहते हो तो किसी आपके यूजर ने अगर नोटिफिकेशन अलाउ नहीं किया होगा आपके वेबसाइट का, तो उसे नोटिफिकेशन भेजना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है कि कैसे आप उसको ट्रैक करोगे, कैसे आप अपने प्रोडक्ट उनके सामने सेल करोगे। बट मोबाइल कॉमर्स में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। यहाँ पे नोटिफिकेशन कह लीजिए, यूजर ट्रैकिंग कह लीजिए, कुछ भी बहुत ईजी हो जाता है मोबाइल कॉमर्स में। एक्चुअल में ये डिसएडवांटेज और बिग एडवांटेज है मोबाइल कॉमर्स का, ठीक है।
डिसएडवांटेज एक्चुअली ई कॉमर्स का है, उसमें बहुत सारे एक्चुअली अभी आप कोई भी देख लो, कोई भी बिजनेस एम कॉमर्स यानी कि मोबाइल के लिए ही एप्लीकेशन बनाना पसंद करता है, वेबसाइट तो आजकल बहुत पीछे जा चुका है। खैर अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ मोबाइल कॉमर्स सर्विसेज। वैसे दोस्तों टाइप्स में अगर मैं आपकी बात करूँ, सिर्फ सर्विसेज लाइक सिर्फ बाय एंड सेल करना या फिर इसके लिए ही मोबाइल कॉमर्स नहीं है। मोबाइल कॉमर्स बहुत चीज़ों के लिए फेमस है। एम कॉमर्स यानी कि आप इसमें पेमेंट सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है मोबाइल कॉमर्स। इन ऐप सर्विस के लिए यानी कि अगर आपको कोई सर्विस चाहिए या जैसे अर्बन क्लैब जैसे एप्लीकेशन या फिर ओला उबर जैसे एप्लीकेशंस, ये सब एप्लीकेशंस मोबाइल में ही परफेक्ट चल सकते हैं। वेबसाइट पे तो आप लोग ऐसे मतलब ये इस टाइप के एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स एप्लीकेशन आप लोग वेबसाइट पे नहीं देख पाओगे, ठीक है। वेबसाइट पे पॉसिबल नहीं होता है कि आप सर्विस प्रोवाइड करो, यूजर ट्रैक करो, वेंडर्स को ट्रैक करो, ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए मोबाइल कॉमर्स ने इन सब चीज़ों को बहुत ईजी कर दिया। ये टाइप्स होते हैं एक्चुअली इन ऐप सर्विसेज वाले एप्लीकेशन, ये कैटेगरी है मोबाइल कॉमर्स का। सेकेंड पेमेंट सर्विसेज वाले एप्लीकेशन लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारे जो कैटेगरीज हैं एक मोबाइल कॉमर्स के। थर्ड जो मोबाइल कॉमर्स का कैटेगरी है वो है अमेजॉन टाइप, फ्लिपकार्ट टाइप, यानी कि सेलिंग वाले जो एप्लीकेशन रहते हैं। ये तीन चार कैटेगरीज हैं मोबाइल कॉमर्स के, हालांकि इससे भी ज्यादा है, बट मैं इस वीडियो में तीन चार ही कवर कर रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ। वाई मोबाइल कॉमर्स, क्यों आपको एम कॉमर्स की तरफ माइग्रेट होना चाहिए, और अगर आप हो चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट आपको मैं बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट बेनिफिट तो यह है कि बेटर यूजर एक्सपीरियंस। समटाइम क्या होता है दोस्तों, अगर आप का वेबसाइट है या आपका कोई ई कॉमर्स, कोई भी आप अभी फिलहाल चले जाओ वेबसाइट पे किसी पे, तो वहां पे लोड होने में उस वेबसाइट को समटाइम 10 कभी कभी 10 सेकंड, किसी को कभी 5 सेकंड, कभी अगर आपका नेट स्लो है तो 30 सेकंड एक मिनट भी ले लेता है वो लोड होने में सिर्फ। लेकिन ये चीज मोबाइल में नहीं होता है। मोबाइल में क्या होता है, वो पहले से यूजर का डाटा फेच करके रखता है, जो आपने पहले सर्च कर रहता है वो वहां पे सेव रहता है पहले से मोबाइल में। तो जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो विद इन अ सेकंड एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, और जो डाटा जो मतलब ताकि आप डाटा जब तक स्क्रॉल करो तब तक और भी वो डाटा को आपके नेट का यूज करके आपके सामने शो करता है। तो ये चीजें मोबाइल कॉमर्स यानी एम कॉमर्स में इजी हो चुकी है, ठीक है। बेटर यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ नेट मतलब सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए नहीं और सिर्फ डाटा फेच करने के लिए ही नहीं, बल्कि वो चलता भी बहुत स्मूथ है, लुक वाइज भी बहुत अच्छा दिखता है, जो कि ये जो वेबसाइट्स रहती है ई कॉमर्स वेबसाइट, वहां पर इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। अब मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, यस ये एक सेकेंड पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों आपको मोबाइल कॉमर्स की तरफ माइग्रेट होना चाहिए। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि आपके जो यूजर्स हैं उनके डाटा का कंट्रोल आप उनको मेल के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू, जो कि मतलब नोटिफिकेशन आपको मैं बता दूं कि 40-60% आपके सेल्स को बढ़ा देता है, ठीक है। फिर वो आप कोई भी एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक मतलब ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी कैटेगरी का, आपका एंटरटेनमेंट कैटेगरी है, आप अपने एप्लीकेशन से किसी भी तरीके से अर्निंग करते हो, कोई भी मोनिटाइजेशन मॉडल आपके एप्लीकेशन में है, तो नोटिफिकेशन 60% आपके रेवेन्यू को ग्रोथ देता है, क्योंकि आप नोटिफिकेशन के जरिए आपने कोई भी कंटेंट डाला है, कुछ भी आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट किया है, वो आप बता सकते हो, अपडेट दे सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं वेरियस पेमेंट सॉल्यूशन। यस ई कॉमर्स में जैसे कि मैंने आपको लास्ट बताया कि ई कॉमर्स में पेमेंट्स जो रहते हैं, पेमेंट सॉल्यूशन काफी कम है, बट एम कॉमर्स में पेमेंट सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं। आप उसमें रिकरिंग पेमेंट ले सकते हो अपने यूजर से, यानी कि उनसे सब्सक्रिप्शन करवा के मंथली उनका पेमेंट डिडक्ट होता रहे बिना उनको मतलब उनके पे किए। आपने देखा होगा YouTube सब्सक्रिप्शन जब आपने लिया होगा तो मंथली आपका डिडक्ट हो जाता है, जो आपने अमाउंट जैसे 199, या फिर आप Netflix का देख लो आपने 199 का पेमेंट किया होगा, वो मंथली डिडक्ट होता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता, बट मतलब कटता होगा ऑब्वियसली, मैसेज आता होगा, बट आपको बार बार पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारी चीजें एम कॉमर्स में ईजी हो चुकी है, और इसलिए आपको एक रिकरिंग पेमेंट जो होता है ना, ये मुझे बड़ा बेस्ट लगता है कि अगर आपको एक एप्लीकेशन बनवा रहे हो जहां पे आप कुछ सेल कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन वाला आपका एप्लीकेशन है, तो अगर रिकरिंग पेमेंट आपने डाला हुआ है, रिकरिंग अमाउंट मतलब वहां पे आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो यूजर ने एक बार बस पेमेंट किया, उसने क्रेडिट कार्ड या कोई भी पेमेंट मेथड यूज किया, तो उसके अकाउंट से मंथली रिकरिंग अमाउंट मतलब जो भी रहता है वो कटता रहता है, वो आपके लिए भी बेस्ट रहता है और उनके लिए भी बेस्ट रहता है कि बार बार उन्हें पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एम कॉमर्स का फायदा मुझे बहुत अच्छा लगता है, इवन मैं खुद मेरे नेक्स्ट एप्लीकेशन में यूज करने वाला हूं। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों आपको एम कॉमर्स यानी कि मोबाइल कॉमर्स की तरफ माइग्रेट होना चाहिए। दोस्तों क्या पॉसिबल है कि आप कि आपका यूजर आपके वेबसाइट पे आए, और मतलब ऑब्वियसली चैट्स बॉट रहता है वहाँ पे, लाइक रोबोट्स चैट कर रहे होते हैं आपके यूजर से, बट वहाँ पे क्या होता है ना कि समटाइम नेटवर्क इशू या कुछ और दिक्कतें आती हैं, बट ये चीज़ें मोबाइल एम कॉमर्स में नहीं होती है। फिर वो किसी भी कैटेगरी का आपका एप्लीकेशन हो, अगर आपने चैट बॉट सिस्टम लगा के रखा है, तो जब तक आप अपने यूजर से कनेक्ट होते हो तब तक बॉट्स आपके
यूजर से चैट कर रहा होता है, जो भी आपने उसमें इंप्लीमेंट किया रहता है, जो भी FAQ जो आपको पता रहता है कि फ्रीक्वेंटली जो आस्क क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी क्वेश्चंस स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं, वो अगर आपने एप्लीकेशन के अंदर अपने इंप्लीमेंट करके रखा है, जब तक वो बॉट उससे कनेक्ट होकर वो चैट करता रहता है, तब तक यूजर का डाटा आप लेके सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल के कॉल करके अपना जो भी लीड जनरेट कर सकते हो, बाय उसको जो भी अपना प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी मोबाइल यानी एम कॉमर्स में बहुत फायदेमंद रहती है, ठीक है। अब मोबाइल एप्लीकेशन में सेकेंड टेक्नोलॉजी है AR टेक्नोलॉजीज। AR टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आप अपने यूजर्स को अपने प्रोडक्ट का ट्रायल दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेंसकार्ट। लेंसकार्ट क्या करता है, एक्चुअली वहां पे AR टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। आपके फोटो को मतलब जो भी आपके चेहरे पे फ्रेम अच्छा लगता है, किसी भी मतलब आप लेंसकार्ट पे जाओ, अपना फोटो अपलोड करो, वहां पे जो आपको फ्रेम अच्छा लगता है, मतलब वो देखा जाता है, आपको लगता है कि आप ट्रायल कर रहे हो उस चश्मे का, ठीक है। ये आजकल, पहले क्या होता था कि हमें जाना पड़ता था शॉप में ट्रायल लेने के लिए, बट अभी क्या हो चुका है, ट्रायल आप डिजिटली ले सकते हो। चश्मे को आप खुद अपने मतलब फोटो जब आप अपलोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो चश्मा या वो फ्रेम आपके चेहरे पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन टेक्नोलॉजी का यूज भी किया जाता है मोबाइल कॉमर्स में, मोबाइल एप्लीकेशंस में, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग थर्ड टेक्नोलॉजी जो ज्यादा यूज किया जा रहा है आजकल एम कॉमर्स में, इमेज सर्च। दोस्तों अभी आप सभी ने आप देखा होगा कि यूट्यूब पर हमें कुछ सर्च करना होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट डालते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं तो ही वो सर्च होता है, ठीक है। बट आजकल मोबाइल में आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट का इमेज अपलोड कर सकते हो, और प्रोडक्ट का आपने इमेज अपलोड किया उस कैटेगरी, मतलब जो आपने इमेज अपलोड किया है सेम इमेज के प्रोडक्ट आपको वहां पे दिखने लगते हैं, आप वहां से बाय कर सकते हो। जैसे सैमसंग आपने देखा होगा या गूगल लेंस आपको पता होगा, आपने किसी भी प्रोडक्ट का फोटो कैप्चर किया तो उसके उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको उस जो भी आपने फोटो कैप्चर किया है उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट शो करने लगता है गूगल लेंस, ठीक है। तो ये इमेज सर्च जो ऑप्शन है ये मोबाइल या एम कॉमर्स में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। प्लस वॉइस, यस वॉइस सर्च के थ्रू भी आप यूट्यूब पे भी आपको पता होगा या फिर गूगल वॉइस सर्च के बारे में सभी जानते होंगे। समटाइम हम कुछ वर्क कर रहे होते हैं, हमें कुछ वॉइस टाइपिंग मतलब कुछ हमें टाइप करना रहता है तो हम वॉइस के थ्रू भी टाइप कर सकते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल है एम कॉमर्स में, जो कि ई कॉमर्स में पॉसिबल नहीं है। तो आयो दोस्तों आप लोग एम कॉमर्स और ई कॉमर्स का बेनिफिशियल यानी डिसएडवांटेज एडवांटेज समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।